आपकी बहुत सारी तालियों पे शेख आसिम जी। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर आसिम साहब आपको, डॉक्टर शहबाज और डॉक्टर मुफर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों ने लिए, और मैं तो कई फोरम्स पर ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि ये डॉक्टर आसिम साहब जो है ये एकेडेमिया के हैं, लेकिन इनके अंदर अल्लाह ने एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी काफ़ी दी है। और इन्होंने हमेशा हमें बड़ा सपोर्ट किया कॉर्पोरेट सेक्टर को, बल्कि ये वन स्टेप अहेड आ गए हमसे, इन्होंने हमसे कोऑर्डिनेट किए, वी आर वेरी थैंकफुल। देखें हम जो बिज़नेस और इंडस्ट्री से यहाँ लोग बैठे हैं, हम सबको ये इस बात का पता है, एहसास है, और हम फिर कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अगर कभी किसी वक्त ग्रो करनी है तो उसने एग्रीकल्चर के थ्रू ही ग्रो करना है। और इतना बड़ा रिसोर्स बेस जिसका एक वक्त में पाकिस्तान में हमारा GDP में कंट्रीब्यूशन 20-25% था, वो 7-8% पे आ गया है, और इसी की वजह से हमारी इकॉनमी का ये हाल है। तो एग्रीकल्चर की तरक्की और आगे फ्यूचर में इसको लेके जाना ये बहुत ज़रूरी है, और इंशाल्लाह ताला ऐसे इंस्टीट्यूट्स और ऐसे लोग ऐसे इनिशिएटिव लेंगे फिर इंशाल्लाह ताला ये जो टारगेट है ये भी अचीव हो जाएगा। मैं आपको ये बताऊँ कि देखिए मैं अमेरिका से पढ़ कर आया, वहाँ पर जितने मेरे डिपार्टमेंट थे मुख्तलिफ चीज़ों के, वो सब के सब रिसर्च पर लगे हुए थे, और उनकी उनको रिसर्च पर प्राइवेट सेक्टर ने लगाया हुआ था। देखिए जो भी बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारे पास ऑलरेडी कामों का काफ़ी लोड होता है, हमें अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस देखने होते हैं, हमें नई चीज़ें भी देखनी होती हैं, लेकिन जो फ्यूचर के अगले फ्यूचर के 4-5 ईयर्स के प्लान है, हम उसके मुतालिक राइट नाउ नहीं सोच रहे होते। ये 99 ऑफ द पाकिस्तान में ऐसा ही है। अमेरिका में वहाँ पे जो मैंने देखा सिस्टम, वहाँ पे ये था कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बड़ी प्रोएक्टिव है, यूनिवर्सिटीज़ खुद रीच कर जाती हैं प्राइवेट सेक्टर के पास और उनसे कहती हैं कि जो आप काम कर रहे हैं वो ठीक है, आप वो आप करते रहें, आप बताएं 5 ईयर्स के बाद आप लोग क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, 7 ईयर्स के बाद आप क्या करना चाहते हैं, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर फिर वो वर्किंग स्टार्ट करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर भी उस पर बड़ा खुश होता है कि चलें ठीक है, वो काम मैंने करना था वो एकेडमिया कर लेगी और प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च कर लेंगे, मार्केट रिसर्च कर लेंगे, और यही उसको रिक्वायरमेंट होती है बड़े टाइम के, वो एक उसको कर सकते हैं। तो मैं तो जो सिंस 1998 या 1999 से गवर्नमेंट काफ़ी एफर्ट कर रही है कि ये प्राइवेट पार्टनरशिप्स क्रिएट हों एकेडमिया की और बिज़नेस की, और मैंने सिलसिले में बड़े फोरम्स अटेंड भी किए। एक फोरम पर बल्कि मैंने ये कहा भी कि यूनिवर्सिटीज़ को थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि अब बिजनेस मैन, एक हकीकत है कि उनके पास अगर टाइम नहीं है और वो नहीं कर सकते तो आप लोग निकलें और उनसे इनके फ्यूचर प्रोडक्ट्स लें। तो उसको भी वैसे क्या कहते हैं, हमको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन एनीवेज मैं फिर भी इस पर काफ़ी था, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल में हमने 2 महीने ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जो कि डेमी के साथ मिलकर किए हैं। एक मैंने कॉमसेट यूनिवर्सिटी के साथ प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हम लोग क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, BZU के साथ भी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया है जिसमें ये मैंगो कर्नल ऑयल है, इसकी कमर्शलाइजेशन का प्रोजेक्ट है, और इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब के साथ मैं करूँगा ही करूँगा कोई काम अच्छा। और अब जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट भी और पाकिस्तान आर्मी भी, ये जो ग्रीन इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट है ये बेसिकली कॉर्पोरेट सेक्टर को आगे प्रमोट करना चाह रहे हैं, और इन फ्यूचर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वही वो चाहते हैं कि वो फाइनेंशियल भी करें, वही टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें और वही रिसर्च प्रोवाइड करें। तो रिसर्च वाला जो कंपोनेंट है वो तो यूनिवर्सिटी से बेहतर कोई रिसर्च नहीं कर सकता, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसर्च के इदारे हैं वो भी काफ़ी स्टैगनेंट हो गए हैं, कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन फ्यूचर टाइम ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली ये मुल्तान वाली है, इसका काफ़ी रोल होगा और बहुत सारी रिसर्च जो हो रही होगी वो इंशाल्लाह ताला इस यूनिवर्सिटी के थ्रू हो रही होगी। गुड लक टू ऑल द पीपल। जैसे मैंने बात की कि बाकी अगर आप डिमांड ड्रिवन प्रोडक्ट पर रिसर्च करें तो ये इसको आपको और भी बेनिफिट होगा, बट एनीवेज जो भी हमने प्रोडक्ट्स देखी हैं बाहर माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं सब की सब, पाकिस्तान में एक न्यू इनोवेशन है, और मैं मेरी भरपूर ख्वाहिश है, दुआएँ हैं उन सब बच्चों के साथ जिन्होंने प्रोडक्ट लाइन बनाई है, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करें, और आगे फ्यूचर में भी आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है इसे आप कंटिन्यू रखें, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। बहुत शुक्रिया।